मैं हूं आयुष्मा और आप देख रहे हैं फिल्मी बीट। फिल्ममेकर करण जौहर भी प्यार में नाकाम साबित हुए हैं। उन्होंने अपने इस दर्द को अपनी फिल्मों के जरिए बयां किया है। एक बातचीत में करण ने बताया है कि किस तरह उन्हें हैप्पी मैरिज करने वाले कपल से जलन होने लगी थी। करण ने कहा, लोग मुझसे कहते हैं कि हिंदी फिल्में थिएट्रिकल और ड्रामेटिक होती हैं, लेकिन ये कहीं ना कहीं रियल लाइफ से भी जुड़ी होती हैं। मैं उस शादी के मंडप में बैठा था जहां मेरा प्यार किसी और से शादी कर रहा था। जब ये सब होता है, आप सोचने लगते हैं कि आप इससे जीवन में कभी नहीं उबर सकते। कुछ कुछ होता है, कभी अलविदा ना कहना और ए दिल है मुश्किल जैसी लव स्टोरी बेस्ड फिल्में बना चुके करण का कहना है कि उनकी फिल्मों में उनकी रियल लाइफ भी दिखती है। करण आगे कहते हैं कि इंडस्ट्री में होने वाली हैप्पी मैरिज मेरे लिए आहत करने वाली होती थी। जब करण से पूछा गया कि क्या वो गरीब रहकर सच्चा प्यार पाना पसंद करेंगे या फिर अमीर होकर सिंगल रहना, करण ने जवाब में कहा, सच्चा प्यार अब दूर की बात हो गई है, सिर्फ लालसा रह जाती है, इसलिए मैं अमीर बनकर सिंगल रहना पसंद करूंगा। आपको बता दें कि करण जौहर हाल ही में नए जुड़वा बच्चे जिनके नाम है रूही और यश के पापा बने हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। टेलीविजन और बॉलीवुड की तमाम बड़ी खबरों को जानने के लिए देखते रहिए फिल्मी बीट।